जिन लोगों ने इसको तुलसीराम सिलावट जी को मदद की उन पर ये मुकदमे लगा रहे हैं, तो आपको कैसे आपके अपने हो जाएंगे? बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के वोट देने वाले सब हम परिवार के लोग हैं। विचारधारा अपनी हो सकती है, अपनी अपनी हो सकती है, पर एक व्यक्ति जब मैं ये कांग्रेस में थे और मैं किसी की मदद करता था, बीजेपी के कार्यकर्ता की भी, कहीं दोस्ती यारी में, कोई रिश्तेदारी में, तो ये आपत्ति लेते थे तुलसीराम सिलावट। जब माइक आएगा, भाषण होंगे, तब नाम लेके बताऊंगा कि किस पे ये आपत्तियाँ ली थी इसने। तो मेरा आपसे अनुरोध है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है ही नहीं, ये लड़ाई है लोकतंत्र की। विधायक बिकने लगा, बीजेपी का विधायक बिक जाएगा जब आपके मन पे क्या बीतेगी? तो जब विधायक बिकेगा तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा और लोग वोट से डरेंगे कैसे? अगर आज तुलसीराम सिलावट को बिकने के बाद वोट मिल सकता है तो फिर सब बिकने लगेंगे। तो ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये बात है लोकतंत्र की, के सम्मान की और आपके वोट की कीमत की। तो हम सबको मिलकर, सांवेर की जनता मुझे पता है 20,000 वोट से हराओगी, हराओगी कि नहीं हराओगी? तुलसीराम सिलावट को 20,000 वोटों से घर भेजेंगे नहीं भेजेंगे? ये कोई जीतू पटवारी की बात नहीं है। मैं कई गांव घूम लिए, विशाल पटेल घूम लिए, संजय शुक्ला, प्रेमचंद गुड्डू खुद गए, अंतर सिंह दरबार गए, ये हमारे जिला अध्यक्ष जी, सब परिवार के लोग कार्यकर्ताओं के साथ घूमे। बीजेपी के लोग भी मिलते हैं तो कहता है, भैया तुम चिंता मत करो, एक जसोत इन्हें गड़बड़ करी उसोच घर भेजांगा, तो टेंशन लो जो मत। आदरणीय विशाल पटेल जी।